दोस्तों, आपकी नजर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा केस जरूर रहा होगा जहां ना जुकाम नजला बिगड़ गया, पुराना हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा। कहने का मतलब समस्या जो है वो ना क्रॉनिक हो गई है। बहुत सारी दवाएं की, बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन वो सही नहीं हो रहा। हर साल, हर 6 महीने, हर 3 महीने बाद वो रहता है और वो समस्या क्रॉनिक हो गई है। अगर ऐसा है कहीं ना कहीं दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सत श्री अकाल एंड वेलकम टू गुरुनाना केयर्स, आप सबका बहुत स्वागत है। ऐसी दिक्कतें अगर रहती है ना दोस्तों, अगर कहीं ऐसी समस्याएं रहते हैं तो वहां होम्योपैथी बहुत कामयाब हो जाती है। आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अ सिंगल मेडिसिन दैट विल क्योर दिस काइंड ऑफ अ क्रॉनिक म्यूकस, क्रॉनिक कोराइजा, क्रॉनिक क्रॉनिक कोल्ड, कठार। दोस्तों, वो दवा है पेंथोरम सिडोइड्स। पेंथोरम को वर्जीनिया स्टोन क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ प्लांट, बेसिकली एक हर्ब है, एक पौधा है, बहुत छोटा पौधा रहता है। इट इज कल्टिवेटेड इन यूएस एंड कनाडा, वहां से शुरुआत हुई, लेकिन अब इंडिया में भी अवेलेबल है। दोस्तों, पेंथोरम बहुत एक्सीलेंट दवा है, स्पेशली मेड फॉर सच कंडीशन, जैसे मैं शुरू में आपके आपको मैंने बताया। मार्क माई वर्ड्स, एग्जैक्ट सिम्टम्स, देर इज क्रॉनिक नेजल कटार, देर इज क्रॉनिक कोराइजा, क्रॉनिक प्रॉब्लम विद द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, क्रॉनिक फेरिंजाइटिस, समस्या बहुत पुरानी हो गई है। नेजल कटार है, नाक से म्यूकस बहता है, नेजल डिस्चार्ज रहता है, कंटिन्यूअसली रहता है। नाक तो जैसे हमेशा अंदर से गीला ही रहता है, इट इज ऑलवेज मॉइस्ट, और अंदर ना कच्चा कच्चा सा रेशा, बलगम कहने निकलती है। नोज इज मॉइस्ट एंड रॉ म्यूकस इज देयर, वहां देंगे हम पेंथोरा। अच्छा, फिर ये ना एक बड़ा पेक्यूलियर टिपिकल सिम्टम है पेंथोरम के लिए, देर इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। देखिए, जितना हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, इट इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस बनाना इसने बनाना है, ये स्वाभाविक है और ये जरूरी भी है। लेकिन अगर लगातार जरूरत से ज्यादा म्यूकस बने और कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस करके वो एग्रवेट हो जाए, ये समस्या बढ़ जाए, वी कॉल इट हाइपर सिक्रीशन, जरूरत से ज्यादा सिक्रीट करना म्यूकस, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहां ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसी हाइपर सिक्रीशन रहती है दोस्तों, पेंथोरम इज द आइडियल ड्रग ऑफ चॉइस। अब लगातार ज्यादा म्यूकस बनेगा तो क्या होगा, जो हमारे नेयर्स, नाक के अंदर पिछला हिस्सा है, पोस्टीरियर नेयर्स, पोस्टीरियर रीजन है, इट विल ऑलवेज फील मॉइस्ट, रॉ रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, ये टिपिकल सिम्टम है। अच्छा, उस वजह से क्या होगा, जैसे ना गले में अंदर ना ये म्यूकस गिरता महसूस होता है, द पोस्ट नेजल ड्रिप्स आर देयर, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज इज देयर, म्यूकस अंदर गले में गिरता महसूस होता है। उस वजह से क्या होगा, फेरेंजाइटिस हो सकता है, फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, होर्सनेस हो सकती है, वॉइस बदल जाती है, आवाज बदल जाती है बंदे की, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस जैसे अंदर म्यूकस गिर रहा है। एफोनिया भी हो सकता है दोस्तों, आवाज धीमी हो जाती है, होते होते एकदम बंद हो जाती है, जैसे गले से आवाज निकल ही नहीं रही बाहर। ऑल दी सिम्टम्स इफ देयर आर, पेंथोरम इज द ड्रग ऑफ चॉइस। पेंथोरम देने का एक बड़ा टिपिकल सिम्टम रहता है, जैसे नाक जितना मर्जी ब्लो कर लें, लेकिन अंदर म्यूकस बन रहा है, गिर रहा है, तो वो ना वेट फीलिंग अंदर रहती रहती है, दैट्स ए वेरी टिपिकल सिम्टम, राइट। अच्छा, फिर आपने ये भी नोट किया होगा, बार बार ब्लो करने से क्या होता है, जैसे ना नाक भरा पड़ा है, तब भी भरा हुआ है, एंड द ईयर्स आल्सो सीम फुल, कानों में भी वजन है, हैवीनेस है, जैसे पूरे भरे पड़े हैं म्यूकस के साथ, यहां भी हम पेंथोरम देंगे। और ब्लो करने से जो डिस्चार्ज आता है ना, दैट इज कंटिन्यूअस, गाढ़ा है, थिक है, स्टिकी सा है, उसके अंदर ना जैसे ब्लड के स्ट्रीक्स भी दिखते हैं। और फाइनली याद रखें दोस्तों, बच्चों में भी ना, जब जैसे देर टीन एज में पहुंचते हैं, दे रीच द ईयर ऑफ प्यूबर्टी, उस समय भी पोस्ट नेजल कटार रहता है, अंदर गले में ये बलगम गिरती है, रेशा बनता है, गले में गिरता रहता है म्यूकस, वहां पेंथोरम देंगे। और इस वजह से ना जैसे पूरा फेरिंग्स जकड़ा गया है, और ऑल्सो अफेक्ट्स द यूस्टेचियन ट्यूब इन द ईयर्स, पेंथोरम। आइए दोस्तों, डोजेस की बात करते हैं। ये जो चुनिंदा सिम्टम्स है ना, एग्जैक्टली इन्हीं सिम्टम्स के लिए पेंथोरम बना है। ये दवाई बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इसके, और इसमें ना डोजेज में
start with a small potency. Like ideally it should be begin with 6C or 12C is ideal to begin with. 3 drops दिन में 3 बार दे सकते हैं और इसको लगातार दें over a period of time. So that वो जड़ से समस्या खत्म हो और दोबारा आपको ये दिक्कत ना आए. तो दोस्तों याद रखें पेंथोरम सिडोइड्स ये दवा, और अगर आपके सर्कल में आपके नोन किसी को ऐसी दिक्कत है जो पुराने से पुराना नजला जुकाम है जो सही नहीं हो रहा है, डू फॉरवर्ड दिस वीडियो, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा सो दैट मैक्सिमम पीपल बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. कोई सुझाव है, एनी सजेशन, मोस्ट वेलकम. यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. यू कैन मेल मी @bananacares@gmail.com. जल्दी मिलेंगे दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस.